नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लेवल 1 फॉर बिगिनर्स की हिंदी वीडियो सीरीज और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अभी तक पिछली वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट्स देखा था, तो चलिए उसी एग्जांपल को लेके आगे चलते हैं। पिछला वाला एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इफ स्टेटमेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके इफ स्टेटमेंट्स वाली वीडियो देख सकते हैं। तब हमने एल्स पार्ट भी देखा था, लेकिन आज मैं आपको एल्स पार्ट डिटेल में सिखाने वाला हूँ। चलिए इस स्टूडेंट के साथ लेते हैं इस ब्राइट और उनको भी कर लेते हैं फॉल्स। कंडीशन में लगते हैं इफ स्टूडेंट उनके साथ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और फिर से एक बार लेते हैं इस ब्राइट। चलिए प्रिंट स्टेटमेंट्स में लिखते हैं यू आर ए स्टूडेंट और ब्राइट और बोथ, और एल्स पार्ट में लिखते हैं यू आर Neither nor bright। चलिए अब समझ लेते हैं। अगर स्टूडेंट इस स्टूडेंट को मैं यहाँ पर फॉल्स कर रहा हूँ और ब्राइट स्टूडेंट को भी, सॉरी इस ब्राइट को भी फॉल्स कर रहा हूँ, यानी कि स्टूडेंट भी नहीं है और ब्राइट भी नहीं है, तो कौन सा पार्ट प्रिंट होने वाला है? इफ में मैंने कंडीशन लिखी है कि इफ इज स्टूडेंट और इज ब्राइट, यानी कि स्टूडेंट है या तो ब्राइट है, दोनों में से अगर कोई भी है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होना है। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो एल्स पार्ट प्रिंट होना है। यहाँ पर है नाइदर। चलिए रन करके देख लेते हैं, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है। यू आर नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ ब्राइट, यानी कि आप स्टूडेंट भी नहीं है और ब्राइट भी नहीं है। अब मैं इन दोनों वैल्यू को ट्रू करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ट्रू और ब्राइट को भी कर लेता हूँ ट्रू। तो अब दोस्तों कौन सा वाला प्रिंट होना चाहिए? दोनों को मैंने ट्रू रखा है, तो इफ इज स्टूडेंट ये वाला है ट्रू और इज ब्राइट ये वाला भी है ट्रू, तो क्या प्रिंट होना है? यू आर ए स्टूडेंट और ब्राइट और बोथ। यहाँ पर दोनों फॉल्स था, यानी कि यू आर नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ब्राइट। जब दोनों फॉल्स थे तो वो स्टूडेंट भी नहीं था और ब्राइट भी नहीं था। अब देख लेते हैं, चलिए अब यहाँ पर रन करते हैं तो क्या मिल रहा है? यू आर ए स्टूडेंट और ब्राइट और बोथ, यानी कि या तो आप स्टूडेंट है या तो आप ब्राइट है या तो दोनों है। तो अभी क्या हुआ, दोनों चीजें ट्रू है, यानी कि स्टूडेंट भी है और ब्राइट भी है, तो हमारी ये वाली कंडीशन बन रही है कि आप दोनों है, स्टूडेंट भी है और ब्राइट भी है। अब हम इन दोनों में से किसी एक को फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है, इनको कर देते हैं फॉल्स। यानी कि स्टूडेंट को मैं ट्रू रख रहा हूँ, स्टूडेंट है मगर ब्राइट नहीं है। चलिए अब रन करके देखता हूँ तो क्या मिल रहा है, फिर से यही बात मिल रही है, यू आर ए स्टूडेंट और ब्राइट और बोथ, यानी कि या तो आप स्टूडेंट है या तो ब्राइट है और बोथ है, स्टूडेंट है लेकिन ब्राइट नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा मिल रहा है, यू आर ए स्टूडेंट, जी हाँ स्टूडेंट है लेकिन ब्राइट नहीं है। यहाँ पर यह दिखा रहा है या तो स्टूडेंट है या तो ब्राइट है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ब्राइट नहीं है। बात तो सही है, स्टूडेंट है, ये वाली बात यहाँ तक ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन ब्राइट को मैंने अभी रखा है फॉल्स। तो उसके बाद इनको मैं फॉल्स करता हूँ और इनको मैं ट्रू करता हूँ, ठीक है। चलिए अब फिर से एक बार रन करता हूँ। यू आर ए स्टूडेंट और ब्राइट और बोथ, यानी कि स्टूडेंट नहीं है लेकिन ब्राइट है। तो आगे क्या लिखा है, यू आर ए स्टूडेंट, ये बात नहीं बन रही है, क्या है, ब्राइट और ब्राइट, यानी कि ब्राइट है मगर स्टूडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मुझे लिखना है कि ये स्टूडेंट नहीं है, तो ये मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ।
यानी कि और ऑपरेटर के साथ जब मैं दोनों को ट्रू रख रहा हूँ या दोनों को फॉल्स रख रहा हूँ तब जाकर मेरी बात बन रही है। लेकिन किसी एक को मैं ट्रू और दूसरे वाले को फॉल्स रखूँ तब जाकर मेरी बात यहाँ पर नहीं बन रही। तो और की जगह एंड ऑपरेटर ट्राई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लेता हूँ एंड ऑपरेटर और स्टेटमेंट में भी थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट, बाकी की चीज़ जो है वो मैं निकाल रहा हूँ। और एल्स पार्ट में लिख लेता हूँ यू आर आइदर अ स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नॉट, क्योंकि एल्स पार्ट में मुझे फॉल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है। यू आर आइदर नॉट ए स्टूडेंट और नॉट ए ब्राइट और नॉट बोथ, यानी कि आप स्टूडेंट नहीं है या तो ब्राइट नहीं है या तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर फिर से दोनों को ट्रू कर देता हूँ। चलिए अब रन करते हैं तो क्या मिल रहा है, यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट। जब दोनों ट्रू है यानी कि स्टूडेंट भी है और ब्राइट भी है तो क्या है, यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट, यानी कि ब्राइट और स्टूडेंट दोनों है। अब मैं किसी एक को फॉल्स करता हूँ, स्टूडेंट को पहले फॉल्स कर लेता हूँ। रन करते हैं क्या मिल रहा है, यू आर आइदर नॉट ए स्टूडेंट और नॉट ए ब्राइट और नॉट बोथ, यानी कि या तो आप स्टूडेंट नहीं है, यू आर आइदर नॉट ए स्टूडेंट, जी हाँ स्टूडेंट नहीं है, और नॉट ए ब्राइट और नॉट ए बोथ, ठीक है। तो ये वाली पहली कंडीशन बन रही है मेरी। अब मैं इनको फॉल्स करता हूँ और पहले वाले को ट्रू करता हूँ। अब जाकर रन करता हूँ तो क्या मिल रहा है, यू आर आइदर नॉट ए स्टूडेंट और नॉट ए ब्राइट और नॉट ए बोथ, यानी कि स्टूडेंट है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, यू आर आइदर नॉट ए स्टूडेंट और नॉट ए ब्राइट। अभी देखिए ब्राइट नहीं है तो दूसरा वाला पोर्शन और नॉट ए ब्राइट, ये बात बन रही है। अब जाकर दोनों को फॉल्स कर देते हैं और देखते हैं। रन करते हैं क्या प्रिंट हो रहा है, यू आर आइदर नॉट ए स्टूडेंट और नॉट ए ब्राइट और नॉट ए बोथ। तो ये वाली कंडीशन मेरी सही पड़ रही है। तो और ऑपरेटर से मुझे कुछ यहाँ पर एंड में अच्छा दिखाई दे रहा है। वैसे हम और से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपने देख लिया। तो और या तो एंड, आप जो भी ऑपरेटर चाहे उनका इफ एल्स के साथ यूज कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तब तक के लिए देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद।